Welcome to Math Axis, ICSE Class 10, Chapter 7, Ratio and Proportion. Exercise 7.2, question number 20. Exercise 7.2, question number 20. Exercise 7.2, question number 20. क्वेश्चन नंबर 20. पिछले वीडियो में हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व किया था. इसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को, ठीक है, एंड 21 को. क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 को. तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि इफ एक्स वाई एंड जेड आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, आर इन अ कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, ठीक है, आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, देन प्रूव डैट हमें क्या प्रूफ करना है कि x प्लस वाई अपॉन में y प्लस जेड का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर दिया गया है, इज इक्वल टू x बाई जेड. देखिए आपके बोर्ड एग्जाम 2010 में क्वेश्चन आया था, ठीक है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रखा है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं. तो यहाँ पे हमें दे रखा है, देखिए जो पिछला क्वेश्चन नंबर 19 था, उसमें जो टर्म्स दिए गए थे ए बी सी डी, वो किसमें थे? प्रपोर्शन में थे. लेकिन यहाँ पे क्या है? आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन. क्या होते हैं? तो किसमें है? कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है. तो पहले तो हम जान लें कि कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन होता क्या है. मानिए अगर तीन टर्म हमें दिए हैं ए बी सी, और बोला जाए कि किसमें है? कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में. किसमें है? कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन. तो हम इनको कैसे अरेंज करेंगे? ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी. कुछ हमें इनको इस टाइप से हम अगर अरेंज करते हैं तो जो ये रेशियो बन रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन. क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन. यानी कि अगर तीन टर्म्स दे रखे हैं और उनको हम अगर ऐसे अरेंज कर रहे हैं कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी बाई सी, तो हम बोलते हैं कि वो किसमें है? कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में, ठीक है. तो यहाँ हमें क्या दे रखा है कि जो एक्स वाई और जेड है किसमें है? कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है. तो जब अगर ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है, जिन्हें हम कैसे अरेंज करेंगे कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई बाई जेड. यानी कि पहला हिंट हमें यहाँ से ये मिल गया कि अगर ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है तो इन्हें हम अरेंज करेंगे x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई बाई जेड. अब इसको हम क्या कहेंगे? के से, ठीक है. हमने क्या मान लिया कि जो x अपॉन वाई है, y अपॉन जेड है, वो किसके बराबर है? k के बराबर है. यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू के और y बाई जेड इज इक्वल टू के, ठीक है. ये ना बनेगा कि जब x अपन वाई वाई अपन जेड इक्वल टू के है, इसका मतलब क्या हुआ कि x अपन वाई की वैल्यू के होगी और y अपन जेड की वैल्यू भी क्या होगी? तो के होगी. तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू वाई के एंड y इक्वल टू आ जाएगा जेड के. यानी x की वैल्यू क्या आ गई? तो y की आ गई, एंड y की वैल्यू आ गई जेड के. अब देखिए यहाँ पे हम एक और चेंज यहाँ पे हम कर सकते हैं क्वेश्चन में कि y इक्वल टू क्या मिला है? हमें जेड के मिला है. क्या मिला है? जेड के. तो अगर हम x की वैल्यू में, जहाँ पे x की वैल्यू है y इक्वल टू के, और y के प्लेस पे हम z के पुट कर दें, y के प्लेस पे क्या करें? z के अगर पुट कर दें y के प्लेस पे, तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा x इक्वल टू जेड के इंटू में के, यानी कि हो जाएगा जेड के स्क्वायर. तो यानी हमें यहाँ एक बात हरदम याद रखनी है कि जब कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि क्वेश्चन किसमें है? कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में. किसमें है? कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है. तो हमें करना क्या है कि जहाँ भी ये दे रखा है, जो भी आपका थर्ड टर्म होगा, हमें उसमें ही सबको एक्सप्रेस करना है. जैसे यहाँ y को हमने लिख लिया जेड के और x को लिख लिया जेड के स्क्वायर, जो कि थर्ड टर्म था जेड. हमने x को भी उसके टर्म में कन्वर्ट कर दिया एंड y को भी उसी के टर्म में कन्वर्ट कर लिया. यानी कि जब कभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम y के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? जेड के, एंड x के प्लेस पर पुट करेंगे जेड के स्क्वायर. तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? जो क्वेश्चन हमें अब प्रूफ करना है, तो LHS दे रखा है कि LHS हमें क्या दिया है? तो LHS हमें दिया है x प्लस वाई अपॉन वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है. हम इसी को प्रूफ करना है. देखिए तो हम कैसे अब प्रूफ करेंगे? तो हम क्या करेंगे सिंपली कि पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम जहाँ x लिखा वहाँ क्या पुट कर लेंगे? जेड के स्क्वायर और जहाँ वाई लिखा है वहाँ पुट करेंगे जेड के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जेड के स्क्वायर प्लस जेड के का होल स्क्वायर अपॉन में वाई के प्लस पे जेड के प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। देन जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, हम न्यूमरेटर में भी जेड के कॉमन ले सकते हैं और डिनोमिनेटर में हम जेड कॉमन ले सकते हैं। तो जब न्यूमरेटर में हम जेड के कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा के प्लस वन का होल स्क्वायर और यहाँ पे जब हम जेड कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये भी के प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। देन जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए होल स्क्वायर है दोनों पे है, इसके लिए भी है के प्लस वन के लिए भी है और जेड के लिए भी है। तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में के प्लस वन का होल स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर के प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो के प्लस वन का होल स्क्वायर और के प्लस वन का होल स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर गेट कैंसल्ड, बचा गया के स्क्वायर। यानी कि जब हमने एलएचएस को सिंप्लीफाई किया तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्या आ गई वैल्यू, के स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हमने एलएचएस को सिंप्लीफाई कर लिया। अब अगला टर्म क्या है, आरएचएस। तो आरएचएस में हमें क्या दिया गया है, आरएचएस में दिया गया है x अपॉन जेड, यानी कि हम x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, z के स्क्वायर और अपॉन में z ही है, z और z कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या के स्क्वायर। यानी कि क्या आ गया कि आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस, यानी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया गया है कि ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। क्या है 21 में कि तो क्वेश्चन नंबर 21 हमें दिया गया है कि ए बी एंड सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, देन प्रूव डैट पी ए स्क्वायर क्यू ए बी प्लस आर बी स्क्वायर अपॉन में पी बी स्क्वायर प्लस क्यू बी सी प्लस आर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई सी। यानी कि हमें कंडीशन क्या दिया गया है कि ए बी सी किस में है, तो कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है और हमें प्रूफ करना है इनको, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब क्योंकि ए बी और सी किस में है, तो कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है, तो क्या हो जाएगा, तो पहला काम जो हम करेंगे कि सिंस ए बी एंड सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन देन ए बाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी बाई सी, को हम क्या कह देंगे के से, ठीक है। ये पहला काम ये करना है कि जब कभी भी दिया हो कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में तो हमें क्या कर लेना है, किस फॉर्म में इसको नोट कर लेना है कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल्स टू के, ठीक है। हमने इससे कर दिया तो देन क्या होगा, तो अब यहाँ पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये ए इज इक्वल टू आएगा बी के एंड बी इज इक्वल टू आ जाएगा सी के। तो कैसे आया, तो ऐसे ए अपॉन बी इज इक्वल टू के होगा एंड बी अपॉन सी इज इक्वल टू के हो जाएगा। यानी कि ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो बी इंटू के एंड बी इक्वल टू क्या होगा, तो सी इंटू के सी के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक और कन्वर्जन हम लोग कर सकते हैं कि अगर यहाँ बी के प्लेस पे हम क्या पुट कर दें, सी के पुट कर दें, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू हो जाएगा सी के इंटू में के, यानी क्या हो जाएगा सी के स्क्वायर, ठीक है। तो जब कभी भी कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में क्वेश्चन अगर आ रहा है तो हमें क्या करना है, जो आखिरी टर्म है यानी जो थर्ड टर्म है उसी में हमें फर्स्ट, उसके फॉर्म में हमें फर्स्ट को और सेकेंड को एक्सप्रेस कर लेना है। क्या करना है कि अगर यहाँ पे थर्ड टर्म सी है तो हमको ए और बी को दोनों को ही सी के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेना है, ठीक है। और देन अब जहाँ पे क्वेश्चन में हमें ए रखा होगा हम वहाँ क्या पुट करेंगे, सी के स्क्वायर, और जहाँ बी दिया होगा वहाँ पुट करेंगे सी के, ठीक है। तो ये था कन्वर्जन। सबसे पहले आप लोग खुद ही एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तभी आप सॉल्यूशन को चेक करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एलएचएस में हमें दिया गया है कि पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए बी प्लस आर बी स्क्वायर अपॉन में पी बी स्क्वायर प्लस क्यू बी सी प्लस आर सी स्क्वायर, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया है और हमें क्या करना है, इसी को सिंप्लीफाई करके आरएचएस के इक्वल शो करना है, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा, हम क्या करेंगे कि ए के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, सी के स्क्वायर। ये हो जाएगा पी इंटू में सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि क्या है ए का स्क्वायर है। क्यू ए के प्लेस पे आएगा आपका सी के स्क्वायर एंड बी के प्लेस पे आ जाएगा सी के प्लस आर। अब बी स्क्वायर के प्लेस पे क्या आएगा तो सी के का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा पी, फिर दोबारा अगेन बी के प्लेस पे सी के का होल स्क्वायर प्लस क्यू बी सी, यानी कि क्यू बी के प्लेस पे क्या आ जाएगा तो सी के इंटू सी प्लस आर सी स्क्वायर, तो आर ऐसे ही रहेगा और सी स्क्वायर के प्लेस पे सी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा तो पी सी स्क्वायर के फोर प्लस क्यू सी इंटू सी सी स्क्वायर के क्यूब प्लस आर सी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, जब डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो पी सी स्क्वायर के स्क्वायर क्यू सी स्क्वायर के प्लस आर सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे तो हम न्यूमरेटर में सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमा ले सकते हैं एंड डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर कॉमा ले सकते हैं। ठीक है, तो जब हम कॉमन लेंगे न्यूमरेटर में सी स्क्वायर के स्क्वायर तो यहाँ पे आएगा आपका पी के स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा क्यू के और यहाँ पे आ जाएगा आर। ठीक है, देन जब हम डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा पी के स्क्वायर क्यू के प्लस आर। ठीक है, तो देखिए दोनों में ही जब हमने कॉमन लिया तो न्यूमरेटर में आ रखा है पी के स्क्वायर क्यू के प्लस आर, यहाँ भी आ रखा है पी के स्क्वायर क्यू के प्लस आर, तो इनको हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या के स्क्वायर। यानी जब हमने LHS को सिंप्लीफाई किया तो क्वेश्चन में क्या आ गया के स्क्वायर, क्या आ गया के स्क्वायर। तो LHS की वैल्यू आ गई के स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है कि RHS भी क्या होगा के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमें जो RHS दे रखा है वो क्या दिया है A अपॉन सी, यानी कि हम A के प्लेस पे पुट कर सकते हैं सी के स्क्वायर अपॉन में सी, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या के स्क्वायर। यानी कि क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 का सॉल्यूशन। थैंक यू।